पुरानी जानते थे कि इनका फॉर्चुनर होगा, आपका पटना में फ्लैट होगा, पटना में भी फ्लैट होगा, फ्लैट होगा, ये भविष्यवाणी आप कर दिए हैं सर? भविष्यवाणी कर ही दिए, बोले ना कि होनहार भी, एक तो भविष्यवाणी जो किए थे वो हो गया, बंगाल में होंगे इनके मकान, बंगाल में भी इनका मकान, क्यों नहीं होंगे? सवाल होगा आपसे कहेंगे सर, क्या लगता है सर कि अब आपको काफ़ी लोगों जानना शुरू कर दिए सर, एक जिला नहीं कई जिला आपका नाम अब जान रहे हैं सर, आने वाले समय में जिस तरीके से देखें सर कि गुंजन सिंह अभी सांसद में आए हैं सर, क्या लगता है कि आप भी सांसद में आएंगे, क्या करेंगे? देख सकते हैं कि लोग मैंने आशीष यादव जी जो हैं अपने ससुर जी को जो है चैन भी गिफ्ट में दिए हैं सर, तो ये चैन देख सकते हैं कि दो चैन, दोनों चैन सर आपका दामाद ही गिफ्ट में दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, कैसा लगता है सर? हम तो बोले कि बेटा बेटी एक समान है, हैं दामाद भी बेटा बेटी सब मेरे लिए सब, दोनों चैन आपके दामाद ही गिफ्ट में दिए हैं सर, हाँ, और फॉर्चुनर भी सर आपका आ गया है, हाँ, अरे दामाद का है चाहे बेटी का है चाहे मेरा है, मेरा ही है। कभी सोचे थे सर कि इतना बड़ा जो सपना था कि इतने बड़े गाड़ी से घूमेंगे, इतने बड़े गाड़ी, हाँ हम सोचे थे होनहार बीरवान के हो, आप एक किसान है सर, देखिए एक पढ़ाई हम पढ़े हैं, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, हम भविष्य, नमस्कार, सच्चाई आज तक देखने वाले सभी परिवार को हमारी तरफ से शुभकामना, और अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी है मगही सुपर स्टार आशीष यादव जी के, हम ससुराल में हैं और हमारे साथ उनके ससुर हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए आज हम लोग बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे सर के माध्यम से, स्वागत है सर आपका, आपका भी स्वागत, क्या कहना चाहेंगे सर आज तक के चैनल वाले को, क्या कहना चाहेंगे सर, आज आपके गाँव में काफ़ी मीडिया लोग आए हैं, विश्वकर्मा पूजा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग यहाँ इस कागेसर के गांव में पधारे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, और आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष में हमारे बगल में एक कागेश्वर धाम कागनाथ परिसर है जी, और आप से यही निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा आप लोग मीडिया वाले उसको कम से कम दिखा दीजिए जी जी जी, पूरे बिहार को जी, पूरे देश को दिखा दीजिए यही। अच्छा सर, इनके फिल्म के बारे में भी आप, ये सपना जो था उनका तो पूरा हो गया, फॉर्चुनर गाड़ी तो आ गया सर, सोना का चैन आपको गिफ्ट भी मिल गया है सर, इसके बाद में फिल्म के बारे में जो आने वाला था, फिल्म वो जो बताए थे सर, उसके बारे में क्या है सर? फिल्म तो आने डायरेक्ट मुंबई से आए थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, फिल्म का डील हुआ है, फिल्म बनेगा अभी सर, कर्म पर फिल्म बनेगा, इनके मेहनत पर मैंने इनके जज्बा पर को देखते हुए ना आए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। अच्छा सर, आपके दामाद अगर कहीं विजिट के लिए जाते हैं सर, कहीं आप देखे थे कि स्टूडियो विजिट करने के लिए गए थे, तो आपके दामाद के आसपास में काफ़ी भीड़ लग जाता है, तो आप उस चीज़ों को देखते हैं तो कैसा लगता है? काफ़ी भीड़ जब इनके ऊपर टूट पड़ता है तो आप देखते हैं उस चीज़ों को, आपको कैसा लगता है? नहीं तो हम एक चीज़ इनको कहेंगे कि इतनी भीड़ भाड़ में कम से कम बाउंसर लेकर चलें, थोड़ा सा सुरक्षित महसूस होगा उनको, बाउंसर लेके चलें। इतना बड़ा भीड़ आप देखते हैं सर, तो कभी तो आपको डर भी लगता होगा सर? डर लगता ही है, देखिए कोई भी गार्जियन को ये लगता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और सेफ रहने के लिए जो हिदायत होगा हम बोलेंगे उनको कि इतनी भीड़ भाड़ में अपना बाउंसर व्यवस्था करके जाए या सुरक्षित जाए आवे, और क्या बोलेंगे। तो अभी सब उनका गाना के बारे में थोड़ा सा, फिर हम आपका इंटरव्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा सबसे गाना के बारे में भी थोड़ा सा दर्शक आपके माध्यम से थोड़ा सा जानना चाहता है सर, सबसे गाना अभी की दर में आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है सर आशीष यादव जी का? देखिए मेरे लिए तो सब गाना उनका पसंद है, वो गाना आप जो सुनाए थे सर काफ़ी वायरल हुआ था सर, हाँ। तो फिर इधर एक सर 45 अभी एक गाना उनका कोदवारी में शूटिंग हुआ था, वो कोदवारी में ही शूटिंग हुआ था या कहाँ हुआ था, उनका गाना 44 नंबर ट्रेनिंग पर चल रहा है और 45 लाख व्यूअर है उनको, 4-5 मिलियन पार। गाना का बोल क्या था सर? गड़ी गड़ी जाए कमर नजरिया, गड़ी गड़ी जाए, इसी तरह का गाना था जिसमें 45 लाख व्यूअर और 44 नंबर ट्रेनिंग में गाना इनका चल रहा है। अरे हमको तो लगता है 44 लाख ट्रेनिंग में चल रहा है कि क्या कर रहा है, मतलब इनका गाना का जादुई मतलब ही कहा जाए एक तरह से, इनके मने लगता है कि इनके कंठ में सरस्वती ही वास हो गया है, हमको जैसा महसूस होता है कि इनका गाना में जो जादुई है
कि मतलब लोगों को आकर्षित इनके गाना में हो जाता है, चाहे अच्छा गाए खराब गाए जो गाए, लेकिन इनका गाना मतलब मैंने जादू ही है इनकी आवाज़ में। सवाल होगा आपसे कहेंगे सर, क्या लगता है सर कि आप, आपको काफ़ी लोगों जानना शुरू कर दिए सर, एक जिला नहीं कई जिला आपका नाम आप जान रहे हैं सर, आने वाले समय में जिस तरीके से देखें सर कि गुंजन सिंह अभी सांसद में आए हैं सर, क्या लगता है कि आप भी सांसद में आएंगे, क्या करेंगे? कौन हम? नहीं नहीं नहीं, हम सांसद में क्या आएंगे, लेकिन जानने से नहीं होता है। मेरा दामाद अभी दो तीन ठो गाना गाए हैं जो जबहू ज़्यादा व्यूअर चल रहा है, और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि इनका गाना इसी तरह बरकरार चलते रहे और आगे अग्रतर बढ़ते रहे। आगे विचार है सर कि राजनीतिक में आना है सर? दर्शक चाहते हैं, अब बहुत चाहने लगे हैं सर आपको, चाहते हैं कि आपके जैसे ईमानदार नेता हो। अच्छा, ताकि वो समाज के लिए कुछ कर, क्योंकि आपके जो भी देख रहे हैं क्षेत्र काफ़ी पीछा क्षेत्र है, पिछड़ा वर्ग एकदम पूरे जो है सर एकदम, कहीं ना तो रोड है सही, नहीं तो और कुछ का व्यवस्था यहाँ पे उस तरीके का है, तो शायद आप लोग अगर इधर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा विकास होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, समय का इंतजार है, लेकिन सांसद में आएंगे सर? नहीं नहीं, हम लोग सांसद की कल्पना क्या कर सकते हैं, लेकिन आना है सर, कोशिश करेंगे। तो साथियों, हम लोग छोटा सबसे जानकारी लिए, अभी फिर हम इनका काफ़ी इंटरव्यू करेंगे। अभी हम मंदिर के पास जा रहे हैं, जो कागेश्वर मंदिर काफ़ी नामी मंदिर है, कई लोगों का यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हुआ है, तो सर के साथ हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे सर के सर का इंटरव्यू भी करेंगे और मंदिर को भी हम आपको दिखाएंगे, फिर जैसा होगा अपडेट देंगे। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।